नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन झमैर। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान ईवीएम पर विवाद शुरू हो गया। 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले गए, लेकिन कुछ जगह से ऐसी शिकायतें सामने आई जिनके मुताबिक वोट सही जगह नहीं जाने का मामला सामने आया। और उसके बाद वही हुआ जिसका अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने शिकायतों को अपने ट्विटर हैंडल से आगे बढ़ाया और चुनाव आयोग ने भी जांच के आधार पर शिकायतों को बेबुनियाद बताया है। लेकिन इस पूरे मामले में ईवीएम एक बार फिर बदनाम हो गई है। इस मसले पर बातचीत करेंगे, तमाम मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे और जो आरोप लगते रहे ईवीएम पर, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अब जो घटनाएं सामने आई है, इसका क्या सच्चाई से वास्ता है, ये हम जांचेंगे परखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग के तीसरे चरण में ही ईवीएम पर विवाद एक बार फिर शुरू हो गया। पहले दो चरण में ईवीएम बेदाग रही, लेकिन जैसे ही चुनावी काफिला यादवलैंड में पहुंचा, ईवीएम के दामन पर दाग लग गए। समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ लोगों ने वोटिंग शुरू होते ही शिकायतों का जो सिलसिला शुरू किया, वो शाम होते होते 100 का आंकड़ा पार कर गया। समाजवादी पार्टी के समर्थकों का आरोप है कि ईवीएम के जरिए उन्होंने बटन तो साइकिल पर दबाया, लेकिन वीवीपैट मशीन में जो पर्ची गिरी वो कमल के फूल की थी। क्या होगा, साइकिल पे वोट डालेंगे, हमने पहले दबाया बटन, तो बोले कि साइकिल पे दबाया, करे रुक जा, थोड़ा रुक गए, उन्होंने दूसरा बटन उधर से दबाया, उन्होंने कही साइकिल पे, हमने वोट दबाया साइकिल पे, तो हमने बोला कमल का एक बार हमने साइकिल दबाया, तो बोले कि धोखा हो गया तुम्हें, धोखा हो गया कि इसलिए तुमने कमल पे साइकिल कमल पे दबा दिया, हमने आंखों से अपने हाथ से देख के हमने साइकिल पे दबाया, कमल पे कैसे किया। पूरे दिन शिकायतों का अंबार लगा रहा। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से चुनाव आयोग से शिकायतें की जाती रही। कहीं आरोप ईवीएम पर लगे तो कहीं निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों पर। फर्जी मतदान की शिकायत भी की गई। कुल मिलाकर पूरे दिन गहमागहमी का माहौल बना रहा। एक तरफ 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान, तो दूसरी तरफ शिकायतों का पुलिंदा भी तैयार हो रहा था। और जिस तरह शिकायतों ने शतक पूरा किया, वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि शिकायतों पर तुरंत निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों ने प्रतिक्रिया दी। मैंने मशीन नहीं छूपा भी, उससे पहले ईवीएम मशीन चालू हो गई, बराबर चल रही है, उसके बाद हम लोगों का बटन दबाने का मौका नहीं मिल रहा है, अपने आप चल रही मशीन। कानपुर के भोगनीपुर विधानसभा इलाके से समाजवादी पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग का जवाब भी ट्विटर के जरिए ही सामने आ गया। चुनाव आयोग ने जवाब में बताया कि विधानसभा 208 बूथ संख्या 121 में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मतदान केंद्र पर मतदान निष्पक्ष और सुचारू रूप से चल रहा है, मशीनों में कोई समस्या नहीं। निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है, फिर भी ईवीएम पर विवाद का जिन एक बार फिर से रिटर्न हो गया है। समाजवादी पार्टी शिकायतों को लेकर हमलावर है। ईवीएम पर जब सवाल उठे तो कांग्रेस को भी चुनावी मिशन में एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया। कांग्रेस ने ईवीएम के बहाने बीजेपी पर हमला किया। लगातार कानपुर और जालौन के मतदान केंद्रों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, उसमें निश्चित तौर पे देखा गया है जो मतदान कर रहे हैं हमारे साथी, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो मतदान कर रहे हैं वो लगातार पर्ची जो है भारतीय जनता पार्टी की निकल रही है, तो निश्चित तौर पे इन चीजों को चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की हाथ की कठपुतली बना हुआ है, और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जब जनता के मतदान को और जनता को भरोसा नहीं रहेगा चुनाव आयोग पे, तो किस तरह की पारदर्शिता ये चुनाव आयोग कर रही है। इशारों इशारों में समाजवादी पार्टी का निशाना बीजेपी की तरफ था। बीजेपी ने भी जवाब देने में देरी नहीं लगाई। बीजेपी ने तंज कस दिया कि चुनावी नतीजों से पहले समाजवादी पार्टी की घबराहट उसी तरह दिख रही है जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचती है। अवश्यम्भावी हार को देख करके समाजवादी पार्टी रोज तर्क करना शुरू कर चुकी है। पहले और दूसरे चरण के रुझान में समाजवादी पार्टी बुरी तरह पराजित हुई है, और जिसको अपना गढ़ कह रही थी, आज उस करहल में भी समाजवादी पार्टी कराह रही है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुबह से इस बात की जाप करने लगे हैं कि ईवीएम में समाजवादी पार्टी के साइकिल का बटन दबाने पर भी कमल का फूल निकल रहा है। वास्तविकता में ये कमल का फूल दबाने से ही कमल का फूल खिल रहा है।
समाजवादी पार्टी इन कमल के फूलों से घबरा गई है और इसलिए इस तरह के तर्क और कारण बिताने का काम कर रही है। ये पूरी तरह से बेसलेस आरोप है। 10 मार्च को जब परिणाम निकल कर आएगा तब वो कहेंगे कि ईवीएम खराब है। ईवीएम पर विवाद मिशन 2022 में पहली बार सामने नहीं आया है। इसके पहले भी ईवीएम पर विपक्ष ने खूब आंसू बहाए। ये बात अलग है कि चुनाव आयोग ने हर बार उनको संतुष्ट किया, सियासी दलों को बुलाकर ईवीएम को टेंपर करने की चुनौती दी, लेकिन उस चुनौती को किसी ने मंजूर नहीं किया। ये अलग बात है कि बीच चुनावी समर में एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग का स्टैंड वही है जो पहले था। सियासत का अपना शगल है, किसी भी बात पर शुरू हो जाती है और चुनाव चल रहे हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फूटता ही है। यूपी में 3 चरणों में 172 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं, 4 चरण में 231 सीटों पर वोटिंग बाकी है, लेकिन ऐसे में एक बार फिर से ईवीएम पर विवाद खड़ा करना किसकी सियासत है और कौन ईवीएम के बहाने अभी से बहानेबाजी में जुट गया है, ये किसी से छुपा नहीं है। मिशन 2022 में कौन होली मनाएगा, कौन बेरंग हो जाएगा, ये तो यूपी की जनता को तय करना है। पर इस बदनसीब ईवीएम पर कितना रोए, जिसके दामन पर दाग लगाना तो जैसे विपक्ष का मूल अधिकार बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ईवीएम को लेकर के एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है तीसरे चरण में। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में एक बार फिर सवालों के घेरे में ईवीएम है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सरफाई से जुड़ी हुई आ रही है। उप जिला मैजिस्ट्रेट की रिटर्निंग अफसर को चिट्ठी के बारे में जानकारी मिल रही है। चुनाव आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। अखिलेश यादव ने आचार संहिता को उल्लंघन किया, इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह कहा जा रहा है। अखिलेश ने मतदान केंद्र में मीडिया से बात की है, यह जानकारी मिल रही है, और इसीलिए आचार संहिता का उल्लंघन इसे माना गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से और इस पर कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सफाई से जुड़ी हुई है। उप जिला मजिस्ट्रेट के रिटर्निंग अफसर को चिट्ठी और इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। कहा यह जा रहा है कि मतदान के बाद पोलिंग स्टेशन पर मीडिया से अखिलेश यादव ने बात की है और यह आचार संहिता का उल्लंघन है। तो ईवीएम को लेकर के आज फिर से सवाल उठे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। सत्येंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शत्रुघ्न शाहू नेता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सतीश प्रकाश नेता बीएसपी के मौजूद हैं और शुभेंदु अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का स्वागत है। सत्येंद्र यादव साहब, किस तरह की शिकायतें और क्या एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि ईवीएम के साथ छेड़खानी की है बीजेपी ने? देखिए, निश्चित तौर पर पूरे इस तरह की अलग अलग जनपदों से शिकायतें आई हैं। तो ये 110 नंबर पे अगर हम बूथ संख्या 102 देखेंगे, टाडा पोलिंग वहां से आई कि तमाम लोगों के वोट काट दिए गए और दो दो घंटे तक चुनाव प्रभावित रहा, लोगों को वोट डालने का अवसर नहीं मिला। तो ये सिर्फ ये ऐसा क्यों है ये आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। अभी आपने जो खबर ब्रेक की है उस खबर में आपने बताया है कि माननीय अखिलेश यादव ने जो है वहां पर मीडिया से बात की। आप एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति मीडिया से बात तभी करेगा ना जब मीडिया वहां पहुंचेगी। अरे भाई, तो मीडिया के खिलाफ भी एक नोटिस जाना चाहिए। मीडिया वहां बात क्यों कर रही है? मीडिया अपने आप में एक बहुत समझदार और एक एजुकेटेड सेक्टर है, ये भी चौथा स्तंभ है। अरे भैया, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर में लेने के लिए, घेराबंदी करने के लिए, और बीजेपी जो एक घृणित और कुंठित मानसिकता की जो हमेशा पहल करती है, लोगों को में नफरत फैलाती है, लोगों की इमेज खराब करती है, छवि धूमिल करती है, जिसमें बीजेपी एक्सपर्ट है, सिर्फ और सिर्फ नहीं, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रही है। नहीं नहीं यादव जी, मैं बताना चाहता हूँ। नहीं यादव जी, बाकी बातें कर लेंगे। ईवीएम को लेकर के जो आज फिर से बवाल उठा है, ईवीएम को लेकर के जो बार बार बातें कही जा रही है कि ईवीएम को हैक करने वाली स्थिति, हालांकि स्पष्ट तौर पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन ईवीएम में अगर समाजवादी पार्टी का वोट डालने की मैं कोशिश कर रहा हूं, बीजेपी का वोट चला जा रहा है, ऐसा कुछ हुआ है कि आज? क्योंकि शिकायतें इस तरह की आपके ट्विटर हैंडल से सामने आई है।
कई जगह ऐसा एक जगह नहीं हुआ है, कई जगह हुआ है और पूरे देश में मीडिया ने इस विजुअल को भी चलाया है। जो लोगों ने अपनी जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है उन्होंने हंगामा किया बाहर, मीडिया ने इसको बाकायदा कवर किया है और आपके चैनल ने भी कवर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कानपुर हो, फर्रुखाबाद हो, एटा में, चरखरी विधानसभा में भी, जालौन में भी कई जगह ये शिकायतें आई हैं। अगर हम एटा की बात करते हैं तो एटा में ऐसा हुआ है, ये लगभग 30% वोट लोगों के कटे हुए मिले, बताइए लोगों को वोट डालने का अवसर नहीं मिला और चुनाव आयोग से जब संपर्क किया गया तो लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, कोई एक्शन नहीं हुआ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का और चुनाव आयोग का क्या लेना देना है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का जहां भी उन्हें लगता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यहां पर भारी संख्या में मतदान हो रहा है, यहां पर उन्होंने पुलिस मार्च से लेकर और मशीनों से लेकर तमाम। सत्येंद्र यादव साहब, ऐसे चुनाव कैसे जीतेंगे आप लोग? आ रहा हूं शुभेंदु जी आ रहा हूं मैं आपके पास। सत्येंद्र यादव साहब, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप लोग चुनाव कैसे जीतेंगे जिसके दावे आपके नेता कर रहे हैं, जब ऐसे सिचुएशन है तो कैसे जीतिएगा चुनाव? हेलो जी सत्येंद्र जी, शुभेंदु अवस्थी साहब, ठीक है सत्येंद्र जी आवाज मिल रही है तो जवाब दीजिए। हाँ, मैं आपको ये देखिए, सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर चुनाव आयोग में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% धांधली हो रही है, लेकिन कुछ प्रतिशत गड़बड़ियां हो रही हैं और वो गड़बड़ियां हो रही हैं, उन्हीं गड़बड़ियों के आधार पर आप देख सकते हैं कि चुनाव को जीता और हारा जाता है, आप इस बात को नहीं नकार सकते हैं। लेकिन अगर ये कह देना कि चुनाव से पूर्व ही विपक्षी दल कह रहे हैं कि मशीनों का ठीकरा पूर्ण है, अरे भाई ऐसी बात नहीं होती है। जहां त्रुटियां हुई हैं, जहां गलतियां हो रही हैं, जहां धांधली हो रही है, जहां मिस्टेक पाई जा रही हैं, वहां पर शिकायत करना ये विपक्ष का ये फर्ज है और उसे करना भी चाहिए, हमने किया है। शुभेंदु अवस्थी साहब, क्या सेटिंग कर लेते हैं आप लोग ईवीएम से? पहले दो चरण में आपकी सेटिंग लगता है कामयाब नहीं रही, इस बार चूंकि करहल में भी वोटिंग हो रही थी तो आप लोगों ने सेटिंग कर ली, क्या कुछ ऐसा? कुंदन भाई, इतनी तो मुन्नी भी बदनाम नहीं हुई जितनी ईवीएम बदनाम हो गई है। और कई बार मेरे को तो शर्म भी आती है कि ये कह रहे हैं यादवों का गढ़, पिछली बार हमने 44 सीटें ली है 59 में, जो इनका गढ़ है वहां पर जाकर हमने वोट लिया है। ये केवल हताशा है, पहले दो बार के जो चुनाव हुए। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है अवस्थी जी, आवाज आ रही है। हेलो जी अवस्थी जी, कहिए। चलिए अवस्थी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, सतीश जी भी फोन दिखा रहे हैं, लगता है कि उनसे भी संपर्क फिलहाल नहीं है। शत्रुघ्न साहू, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो आज जो वोटिंग हुई, ऐसा आम आदमी पार्टी को भी लगा क्या कि कहीं पर कोई गड़बड़ी हुई है? देखिए, अगर चुनाव आयोग का और तमाम राजनीतिक दलों का ये कर्तव्य बनता है कि हम जो लोकतंत्र का यह महापर्व है स्वच्छ और अच्छे तरीके से हो, अगर कहीं से कोई अविश्वास आ रहा है तो उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और बिल्कुल इस मामले को है नहीं ये नहीं कर करके, क्योंकि ईवीएम पर कई बार ऐसे सवाल उठे हैं। स्वयं आडवाणी जी ने एक किताब का इनॉग्रेशन किया था कि ईवीएम में कैसे परेशानी होती है, लेकिन ईवीएम का जो मसला है वो कुछ परसेंट वोटों का होता है। आप उत्तर प्रदेश की जनता इतने बड़े मजबूत तरीके से चुनाव में लगी है कि इस बार हमको लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से आगे बढ़ पाएगी, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी की सिचुएशन क्या है? आम आदमी पार्टी मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ने में लगी है, पूरी मजबूती से उत्तर प्रदेश के 400 से अधिक सीटों पर खड़ी है। ठीक है, चुनाव में खड़ा होना और जीतना दोनों अलग अलग बातें हैं, आम आदमी पार्टी ने भी कोशिश की है। शुभेंदु जी हमारे साथ जुड़ गए, शुभेंदु जी के पास फिर से चलते हैं। शुभेंदु साहब, दरअसल बड़ा सवाल यह है कि हर बार संदेह पैदा हो जाता है ईवीएम को लेकर के, आम लोगों के मन में शंका शुबा जो है उसे चुनाव आयोग से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक में इस मामले को चुनौती दी जाती रही और हर बार मुंह की खानी पड़ी विपक्ष को, फिर भी ईवीएम को लेकर के सवाल क्यों उठा दिया जाता है? बताइए,
अच्छी तरीके से जीत रहे हैं। दो पहले जो चुनाव हुए और आज तीसरा मिलाकर यदि हम देखें तो हम बहुत अच्छी बढ़त से आगे बढ़ रहे हैं। अब ये चीज जो अभी तक ही सबके सामने बोलते रहे, ये खाली पहले केजरीवाल बोलते थे कि हम 700 सीटों पर जीत रहे हैं, हम 500 सीटों पर काम कर रहे हैं, हर जगह पर जीत के आ रहे हैं। अभी उसकी काफी इन्होंने भी, सपा ने भी करी और बाकी उनके साथियों ने भी करी, विरोधी लोगों ने भी, कि हम जीत रहे हैं। एक ऐसा भ्रम पैदा किया जाए जिससे कि लोग इस कंफ्यूजन में आ जाएं, जो जीत रहा है उसको वोट दे दें। परंतु उत्तर प्रदेश की जनता ने, एक समझदार जनता है, उसने जरा ध्यान से वोट दिया है और ऐसे देती है। तो मेरे को लगता है ये सब बहाने हैं। और जब भी इनको बुलाया गया, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया इनको, तो ये गए नहीं, और गए तो वहां पर चेक करके आए तो सब ठीक निकला जी। तो कुछ ना कुछ तो ये लोग कहेंगे, और इस पर ज्यादा ना कहें, मैंने तो एक ही लाइन कही कि इतनी तो मुन्नी भी बदनाम नहीं हुई थी जितना ये लोग ईवीएम को बदनाम करते हैं। ठीक है सतीश जी, बीएसपी का स्टैंड क्लियर रहा है बहुत सधे हुए अंदाज में। बीएसपी ईवीएम को लेकर के जो सवाल उठते रहे उस पर सवाल उठाती रही मायावती जी, इस फेज में 59 सीटों पर जो वोटिंग हुई, इस बार वोटर्स भी सामने आए और पार्टियां भी, समाजवादी पार्टी भी सामने आए। ट्विटर हैंडल पर आप कई आप देखेंगे ट्वीट किए गए इसे लेकर के। तो बीएसपी किस तौर पर देखती है इन खबरों को कि वीवीपैट से भी गलत पर्चियां निकल रही थी, वोट किसी और को दिया जा रहा था, वोट किसी और को पड़ रहा था? नहीं देखिए, ईवीएम को सबसे पहले मुन्नी बनाने वाले अटल, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे पहले ईवीएम के ऊपर सवाल अटल बिहारी वाजपेयी ने उठाया है। और ईवीएम के ऊपर अगर महाग्रंथ किसी ने लिखा है तो जीवेल साहब जो है उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने बाकायदा ईवीएम को लेकर के एक बड़ी किताब लिखी जिसको महाग्रंथ कहा जाता है ईवीएम के लेकर। उसमें कुछ आशंकाएं, कुछ सवाल है ईवीएम को लेकर। देखिए ये सच है कि ईवीएम को लेकर के भारत के जनमानस में एक सवाल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ लोग तकनीकी का सहारा लेकर के या चुनाव के अंदर तकनीकी के उपयोग को लेकर के कुछ उसके ईवीएम के बचाव में आते हैं। लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि तमाम ऐसे दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहां तकनीकी के मामले में, तमाम यूरोपियन कंट्रीज है, आप जापान भी है, आपका अमेरिका भी है, वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत फास्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे मतदान कहीं ना कहीं बैलेट पेपर के साथ होता है। मेरा मानना यह है कि अगर भारत सरकार बैलेट पेपर से चुनाव करती है और लोगों के मन में, क्योंकि अगर मतदान के प्रति आशंका होगी तो कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम कभी ठीक नहीं आ सकते, और लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था से कहीं ना कहीं विश्वास हटेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मत देना और मत के माध्यम से परिवर्तन करना ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसको बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर भारत की में क्या हुआ था? ऐसी है, उसको ऐसा लगता है कि ईवीएम जो है, और ये सच है, इसमें कहीं कोई दोराई नहीं कि भारत में ईवीएम की सोरोवेसी से कहीं ना कहीं सरकारें बढ़ती है, इसमें कहीं कोई दोराई नहीं, ये सच्चाई है। मेरा मानना ये है। नहीं सतीश प्रकाश, एक चीज जानना चाहता हूं मैं, क्या ईवीएम को कोई हैक कर सकता है क्या? ठीक है आप जनरलाइज कर रहे हैं कि अगर शक है, हालांकि भारतीय जनमानस में शक नहीं है, जो पॉलिटिकल क्लास है और खासतौर पर विपक्ष है वो अब सवाल खड़े करता रहा है। मैं विपक्ष कह रहा हूं, ना सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूं, ना कांग्रेस की बात कर रहा हूं, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं, जब बीजेपी विपक्ष में थी तब की बात भी कह रहा हूं मैं। मेरा सवाल यह कि आम लोगों के जहन में कोई शक शुबा नहीं है, पॉलिटिकल क्लास में शक है, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या ईवीएम को कोई हैक कर सकता है क्या? ये शक है क्या बीएसपी को भी? जी देखिए, दुनिया की कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस अभी दुनिया में ऐसी बनी नहीं जिसको हैक ना किया जा सके। अगर आपकी मंशा तय है कि आपको हैक करनी है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस छोटी से लेकर के बड़ी तक, अगर आप उसको हैक करना चाहें तो हैक किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दोराई नहीं। मैं चुनाव आयोग के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मेरा एक बड़ा मूलभूत सा सवाल है कि अगर लोगों के मन में ये आशंका है ईवीएम को लेकर के, आज बीजेपी ईवीएम के पक्ष में खड़ी है, लेकिन यही बीजेपी, मैंने शुरुआत वहीं से किया था कि जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने वाले भारतीय राजनीति में सबसे पहले बाकायदा अडवाणी जी ने सवाल उठाया, और कांग्रेस तो उसी ईवीएम से तो चुन के सत्ता में भी बीजेपी आई ना। कांग्रेस सत्ता में नहीं है सतीश जी, सतीश जी उसी ईवीएम से चुन करके बीजेपी भी सत्ता में आई ना, जिस पर सवाल खड़े कर रही थी एक टाइम में, उसी ईवीएम से चुन करके आई, बदला नहीं बदला था चुनाव आयोग में, तब भी नहीं बदला, व्यवस्था बदली नहीं गई। आप सुनिए, सत्येंद्र यादव मैं ये जानना चाहता हूँ,
सतीश जी मैं आता हूं, सवाल है जी, सतीश मैं आता हूं। सत्येंद्र यादव मुझे बताइए कि शक है क्या कि इस बार के चुनाव में भी ईवीएम को हैक, मैं हैक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ईवीएम को हैक किया जा रहा है? वोट समाजवादी पार्टी को पढ़ना चाहिए, बीएसपी को पढ़ना चाहिए, कांग्रेस को पढ़ना चाहिए, लेकिन वो वोट बीजेपी को जा रहा है, ऐसा लग रहा है क्या समाजवादी पार्टी को? देखिए अभी इस पर साफ साफ ये बात कहना कि 100% हैकिंग हो रही है, ये मुझे लगता है ये बहुत जल्दबाजी है, इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए और समाजवादी पार्टी बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं है जी। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से मीडिया में, ये मैं बड़ा ताज्जुब में हूं कि इतने एजुकेटेड लोग टेलीविजन पे बैठते हैं, मॉनिटर करते हैं, अगर कोई शिकायत होती है तो सीधा सीधा ये क्यों कहने लगते हैं कि विपक्ष अभी से राग गाने लगा रहे? भैया कोई शिकायत है, अगर कोई त्रुटि आ रही है उसको उसी आधार पर लिया जाए। मुझे लगता है बीजेपी के प्रवक्ता से ज्यादा मीडिया कहने लगती है कि विपक्ष अभी से राग गाने लगा हैकिंग का, और नहीं, नहीं, मीडिया नहीं कर रहा है। अरे भाई सत्येंद्र जी मीडिया नहीं कर रहा है, मीडिया ने सवाल पूछे, सवाल दोनों तरफ से पूछा जा रहा है, बीजेपी लोग कह सकते हैं कि आप लोग हताश हैं, मीडिया ये नहीं कह रहा है। सत्येंद्र जी कहिए, आप कहिए। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां त्रुटियां पाई जा रही हैं, जहां पर कमियां निकल रही हैं, उसकी शिकायत हम कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए। और दूसरी बात, अगर पार्टी हमारी कोई शिकायत कर रही है, इस बात को इससे न लिया जाए कि हम हताश हैं या हम पूर्व में ही हार मान लिए या कुछ हो गया, ये बहुत जल्दबाजी और बचपना हो जाता है। रही बात बीजेपी के प्रवक्ता की, देखिए भैया ऊपर से गाइडलाइन जारी होती है, इनको छोटी छोटी पर्चियां पकड़ा दी जाती हैं कि आपको शाम को जाके झूठ को, इस झूठ को आपको लेना है और इस झूठ को आपको सच साबित करना है। तो इसलिए बीजेपी की बात कोई भी, ये झूठ की खेती है ऊपर से लेके नीचे तक, ये फर्जी आंकड़े वाले, फर्जी उद्घाटन वाले, फर्जी शिलान्यास वाले, और ये सारे फर्जी काम करते हैं। इनके पास और कुछ है नहीं, या तो हिंदू मुसलमान चलाते हैं या विपक्ष ने क्या कह दिया ये चलाते हैं, और इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, पर्ची का जिक्र कर लिया तो मैं सीधे आपने जो सवाल उठाए वो सीधा सवाल मैं पूछ लेता हूँ शुभेंदु जी से। शुभेंदु जी आज कौन सी पर्ची बीजेपी ने पकड़ाई आपको? देखिए हम सब लोग वक्ता लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमने जब इंजीनियरिंग करी, हम लोग जब कॉलेज में गए तब भी हमने कोई पर्ची पकड़ी थी न पढ़ी है न आगे पढ़ेगी। पर जो सपा के लोग हैं, जब इनकी सरकारें थी तो आपको याद होगा बसपा की सरकार थी, सपा की सरकार थी, और उसमें कहा गया था कि नकल को में कोई पकड़ा नहीं जाएगा। तो पर्चियां और कौन लेके जाता है, कौन पढ़ के आता है, और किस तरीके से ये इनके प्रवक्ता पास हुए हैं, और कौन सी पर्ची दी जा रही है, ये तो शायद इनको नॉलेज होगा। हम लोग अपने विचारों से, अपने अध्ययन से, अपने जो मेरे को अच्छा लगता है, मैं तो आपके चैनल पर कई बार आता हूँ, जो सच होता है उसको बोलता हूँ कई बार। तो मेरा ऐसा कहना है कि ऐसी बातें छोटी मोटी कहना इस चैनल पे, इतने बड़े चैनल पे, ना इनको शोभा देता है ना मेरे को शोभा देता है कि ऐसे विषयों पर जवाब दे। जहां तक इनको जब कभी भी ईवीएम का विषय रहा है, और ईवीएम के लिए लगातार इलेक्शन कमीशन ने सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाया और उनसे पूछा और उनके सामने टेस्ट किया, तब इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और उनको बोला कि आप दुनिया भर के हैकर्स को बुला लो और इसको करके दिखा दो, तब नहीं करा इन्होंने। अब मैं एक बात कहता हूं, क्या वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई तो ईवीएम सही था या गलत था, ये जवाब दे दे सत्येंद्र यादव जी कि वहां ईवीएम क्यों नहीं सही रहा, यहां क्यों गलत हो गया। आप चिंता मत करिए, जो वेस्ट बंगाल में हुआ है वो उत्तर प्रदेश में होने वाला है, आप भरोसा रखिए। 10 तारीख को आप बुरी तरह से हारने वाले हैं। रही बात ईवीएम खराब की, जहां जहां पर घटनाएं आई हैं सामने, हम उस बात को रखे हैं, उसकी हमने शिकायत की है। इस बात को पूरी पार्टी हार से हार मान ली, बीजेपी हार गई ना बंगाल में, तो बीजेपी हार गई ना, उसी ईवीएम से वोटिंग हुई, उसी ईवीएम से वोटिंग हुई ना। अरे यहाँ भी हारेगी, नहीं हारेगी, वो 10 तारीख को पता चलेगा, 10 तारीख को पता चलेगा कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। नहीं नहीं, मेरा एक और क्वेश्चन है, सुबह से आप 7 बजे से अभी से पता चल रहा है, मैं क्षेत्र में हूँ, मैं इस वक्त करेल में हूँ, मैं देख रहा हूँ लोगों के अंदर कितना उत्साह है, और तमाम जिलों में मैंने भ्रमण किया है। आप निश्चिंत रहिए, 10 तारीख को मैं फिर बैठूंगा आपके साथ, जब उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से सामने आएगी 10 तारीख को। सब लोग सत्येंद्र जी, आज जो है करहल को लेकर के भी कुछ शिकायतें सामने आई, फर्जी वोटिंग को लेकर के शिकायतें सामने आई, ये कहा गया कि जिसके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो लोग भी वोट देने पहुंच जा रहे हैं और वोट कर रहे हैं।
ये बकायदा आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया, उसका मैं जिक्र करूं तो करहल में भी ये सब हो रहा था क्या? आ रहा शुभेंदु जी, जरा सत्येंद्र यादव से पूछ लेते हैं, वहां पर ही मौजूद है करहल में। मैं करहल में हूँ और यहाँ पर कई बूथों से ऐसी शिकायत आई है जहाँ पर लोगों को मालूम था 90-95% तक पोलिंग जाती है, वहां पर लगभग 25-30% तक लोगों के वोट काटे हुए। आप एक बात बताइए, और दूसरी बात है कि ये एक जगह से नहीं, ये कई जैसे जगह से शिकायत आई है, और यहाँ पर पुलिस फोर्स ने जिस तरह से दबाव बनाने का प्रयास किया, ऐसी कई घटनाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको ये बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगा कि हम ईवीएम पर कोई ठीकरा फोड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, करहल से माननीय अखिलेश यादव भारी बहुमत से 1-1.5 लाख के बीच में जीत रहे हैं। अच्छा ठीक है सत्येंद्र यादव जी, को मैं कुछ कहना चाहता हूँ कुंदन जी 30 सेकंड। जी शुभेंदु जी कहिए। कहना चाहता हूँ, पहले इन्होंने कहा कि हमारे को करहल जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे कार्यकर्ता ही जिता देंगे, फिर इनको क्या जरूरत पड़ी कि कई बार आना पड़ा अखिलेश जी को, फिर पिताजी को लाना पड़ा जिनकी तबियत ही नहीं ठीक थी, कैसे बोल रहे थे आवाज से समझ में। आप सोचिए कि ये डरे हुए हैं ये, और एक बात कही उन्होंने हमारे अमित शाह जी ने कि ये जो अखिलेश यादव जी है करहल से भी हार कर जाएंगे, ये आपको वादा करता हूं मैं। फिर भी 7 बजे से अखिलेश यादव को थोड़ी पता था कि आपका जो शीर्ष नेतृत्व लगभग जो है वो करहल में पहुंच जाएगा और वोट की अपील करेगा, वहां पर हराने की कोशिश करेगा अखिलेश जी को। मैं रोक रहा हूं सबको, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, फौरन लौटते हैं इस चर्चा को एक छोटे से ब्रेक के बाद जारी रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए वोटिंग कराई गई आज, मतदान प्रतिशत ठीक ठाक रहा है फिलहाल, जो आंकड़े अभी आए हैं, अपडेट जो आएगा उससे हम आपको वाकिफ कराएंगे। लेकिन इन सब के बीच आज दिन भर जो खबरें चली उसमें यह भी छाया रहा कि कहीं पर ईवीएम सही तरीके से काम नहीं कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि यह कहा गया कि वीवीपैट जो मशीन है जिससे पता चलता है कि जिसे हम वोट डाल रहे हैं उसे वोट पड़ा या नहीं पड़ा, एक पर्ची आती है और थोड़ी देर के बाद वो पर्ची मशीन के अंदर वापस चली जाती है। उस पर्ची को लेकर के भी ये दावा किया गया कि जिसे वोट हमने दिया है वो वोट उसे नहीं गया, यानी कि समाजवादी पार्टी को नहीं गया है, इसलिए एक बार फिर से ईवीएम का जो जिन्न है वो निकल करके सामने आ गया है। सत्येंद्र यादव साहब ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो ये चिंता की बात है, सवाल यह कि वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल इसीलिए किया गया, ज्यादातर जगहों पर इस्तेमाल करने की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से इसीलिए की गई कि कम से कम पता चले कि मैंने जिसे वोट दिया है उसे वोट पड़ा है या नहीं पड़ा है, गया है या नहीं गया है। अगर यह पता चलता है कि नहीं मेरा वोट उस जगह पे नहीं गया, शिकायत आप करते हैं तो शिकायत को सुनना चाहिए अधिकारी को और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या कोई ऐसे सिस्टम की जरूरत है कम से कम कि वीवीपैट मशीन में अगर मुझे शक है कि मेरा वोट वहां नहीं गया है तो किसी तरीके से पता चले कि वाकई जिसे मैंने वोट दिया है वो वोट गया या नहीं गया है? नहीं, इस तरह का देखिए यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। चुनाव आयोग के किसी भी अधिकारी को आप फोन करते हैं तो एक कई बार फॉर्मेलिटीज कर दी जाती हैं। आप प्रशासन से कोई बात कहते हैं सिर्फ सत्ता पक्ष की सुनवाई होती है, जब सत्ता पक्ष अगर कोई बात कहेगा उसकी तत्काल प्रभाव से सुनवाई होती है, सत्ता पक्ष को अगर कोई दिक्कत होती है तत्काल प्रभाव से उसकी बात सुनी जाती है, और विपक्ष का अगर एक कदम भी इधर से उधर हो जाता है तो तुरंत उसके खिलाफ एक्शन है, तमाम ऑफेंस हैं, तमाम धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, तमाम तरह के कानून और कार्रवाइयां हैं। लेकिन सत्ता पक्ष का आप मैनपुरी में देखेंगे एसपीएस बघेल लगभग 24 से ज्यादा गाड़ियां लेकर घूम रहे थे। अरे भाई ऐसा कैसे संभव है, आप पूरे चुनाव में हर जगह 24 से ज्यादा गाड़ियां लेकर जा रहे हैं, जहां मतदान हो रहा है वहां लोगों को अड़का रहे, आप क्या बात। आप यहाँ करहल में सत्ता पक्ष ने भाई भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रयास किया कि कैसे चुनाव को प्रभावित किया जाए, लेकिन लोगों ने फिर भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और माननीय अखिलेश यादव को भारी तादाद में वोट किया है। मामला हार और जीत का नहीं है, बीजेपी जिस तरह से पूरी बीजेपी यहाँ आके करहल में डेरा डाल दी, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या उनके तमाम मंत्री हैं,
आप किसी गली मोहल्ले में कोई भी मंत्री मिल जाएगा आपको रास्ता चलते हुए, जो मोदी जी की भाषा को कॉपी करके यहाँ गली मोहल्ले में चाची चाचा ताऊ को सुनाते हुए। सवाल सत्येंद्र यादव से उठा क्यों रहे आप? अगर कोई मंत्री पहुंच रहा है चुनाव प्रचार करने के लिए, अगर देश के गृहमंत्री जो कि बीजेपी के स्टार प्रचारक है, अगर वो करल में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, तो इसमें समाजवादी पार्टी को क्या आपत्ति है? ये आपत्ति है कि समाजवादी पार्टी की जहाँ रैली होती है उसके ठीक सामने ये अपनी रैली करते हैं, प्रशासन को लगाते हैं, हमारा रोड मैप को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, हमारी भीड़ को अपनी रैलियों में जबरन भेजते हैं और वहाँ पर लोगों को डराने धमकाने की, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। मैं गया वहाँ पर, तमाम लोगों को वहाँ से हमने निकाला, अनवांटेड बैरियर लगा दिया इन्होंने, और हमारी भीड़ को माननीय अखिलेश यादव की और माननीय नेताजी की भीड़ को अमित शाह जी की रैली की तरफ डायवर्जन करने की कोशिश की। उस पुलिया से बैरियर मैंने खुद हटवाया, वहां पर मेरी तमाम गाड़ियां इकट्ठी हो गई, क्योंकि मैं खुद उस रैली में उस मंच पे गया था और उस रैली में खुद शामिल हुआ था, मैं इस वक्त करल में ही हूँ। ये लोग क्या करते हैं यादव जी, आपके सपोर्टर अगर बीजेपी की रैली में चले गए तो उन्हें हंगामा करना चाहिए था ना, अगर इतनी संख्या में ही लोग पहुंच गए लेकिन तो वहां पर तो कुछ नारेबाजी कर देते, अखिलेश यादव जिंदाबाद कह देते। अरे की भाई, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे तभी तो उनको वापस वहां से निकाल, अरे पुलिस आप, अरे हाथ पैर भूल गए इन लोगों को कवर करने में, अखिलेश यादव जिंदाबाद के भारी तादाद में नारे लग रहे थे। शुभेंदु जी जवाब दीजिए, ठीक है सुन लेते हैं, अमित शाह जी यादव जी सुन लेते हैं, शुभेंदु जी जवाब दीजिए। देखो सत्येंद्र यादव जी, आप क्या बोल रहे हो चैनल पर हमको तो नहीं समझ में आ रहा, कोई वीडियो नहीं है। ज्यादा मत बना करिए, हम क्या बोल रहे हैं वो सब सुन रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है, ये ज्यादा मुझे अकल मत बताया करिए। सुन लीजिए सत्येंद्र यादव जी, अब सुन लीजिए ना, अपनी बात कहिए, सुन लीजिए अपनी बात कहा करिए। नहीं नहीं सत्येंद्र जी सुन लीजिए, सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी और ये शुभेंदु जी ब्रेक से जाने के पहले बता रहे थे कि अमित शाह जी ने कह दिया है कि ये हार जाएंगे ये जीत जाएंगे। माननीय गृह मंत्री जी ने तो बंगाल में भी कहा था कि अगर बंगाल में चुनाव हार जाएंगे तो मैं इस्तीफा कर दूंगा, और जनता से पूछा था कि आप मेरा इस्तीफा चाहते हो, क्या परिणाम आया? शुभेंदु जी ऐसी बात नहीं बोलिए कि अमित शाह जी कह दिए तो पराजय हो गई, वो भगवान बन करके और ज्योतिष नहीं है, जनता को तय करना है कि क्या होगा। बिल्कुल जनता को तय करना है, जनता की मुस्तैदी पर इस तरह से सवाल नहीं उठाइए कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, ठीक है जनता को तय करना है, ने कह दिया, ये सवाल नहीं है। ठीक है शत्रुघ्न जी, शत्रुघ्न जी, शत्रुघ्न जी देखिए आप लोग तो बोलते हैं तो मैं नहीं बोलता ना, बोलने की आदत है। सत्येंद्र यादव जी को नहीं, शुभेंदु जी सुन लेते हैं, शत्रुघ्न जी गुस्से में आ गए, ठीक है शुभेंदु जी कहिए, आईना देख करके उसको समझिए। सत्येंद्र यादव जी गुस्से में आ गए और शाम का समय पर ये गुस्सा देख के लग रहा है कि कितना खिसियाए हुए हैं, मैं तो हंस रहा हूँ। और आपके जो विषय है आपने 7 बजे से चालू किया, आपने 7 बजे से चालू हुआ, अरे सुनिए ऐसे बोलोगे तो हमारी बोलने की आदत नहीं। मेरी मुस्कान के दीवाने इस देश में, प्रदेश में बड़ी संख्या में मेरी स्माइल के लोग फैन है, आप क्या बात कर रहे हैं, आप तो हंसेंगे तो भी लगेगा लगता है किसी की बुराई नहीं। सत्येंद्र यादव जी मुस्कुराते रहिए, सेहत अच्छी रहती है, ये लोग सेहत बनाने के लिए जरूरी है कि मुस्कुराते रहिए। और अभी जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, चुनाव में बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो मुस्कुराते रहे सारे लोग, अगर मुस्कुराते रहे इस फ्रेम में तो अच्छा लगेगा। अब शुभेंदु जी को सुन लेते हैं। अरे कुंदन जी, मैं आपके साथ कई बार बैठ चुका हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो शुभेंदु जी जो हैं, ये भाजपा का जो गाइडलाइन पर्चियां मिलती है उसको फॉलो कर रहे हैं, ये झूठ नहीं, सबके लिए तो गाइडलाइन होती है ना, समाजवादी पार्टी भी कोई गाइडलाइन जारी करती होगी, अपने अपने समझदार प्रवक्ताओं को ये बताती होगी ना कि भाई ये लाइन लेनी है। नहीं नहीं, हमारा झूठ को सच नहीं बनाने की गाइडलाइन आती है, इनके सिर्फ झूठ को सच बनाने। अब सुन लेते हैं, अब सुन लेते हैं शुभेंदु जी को सुन लेते हैं। शुभेंदु जी, क्या भीड़ की कमी पड़ रही थी क्या करल में, कि रूट डाइवर्ट करके जो समाजवादी पार्टी के समर्थक थे उन्हें अमित शाह की रैली में ले जाया गया, ऐसा हो सकता है क्या? मजाक कर रहे हैं? अरे ऐसा हुआ है भाई, ऐसा ही हुआ है। मैं सुनिए, आप प्लीज, बहुत गुस्सा भी कर रहे हो, मुस्कुरा भी रहे हो, पूरा उत्तर प्रदेश आपकी मुस्कान पे फिदा है। मैं तो खाली यही कह रहा हूँ कि आप मुस्कुराते रहो, ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे, हम भी प्रवक्ता है, तुम भी प्रवक्ता हो, है हम तो अपनी बात कहेंगे, तुम अपनी बात करोगे, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो। अरे आप क्यों गुस्सा बार बार 25 बार इसको रिपीट कर रहे हैं, अपनी बात कहिए, मैं गुस्सा हूँ कि नहीं हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए चलिए मुद्दे पर आते हैं, हो रहा है मुद्दे पर आते हैं, करहल में कौन जीत रहा है, उत्तर प्रदेश में बदलाव। शुभेंदु जी, करहल करहल जो है महत्वपूर्ण है, जो किला है समाजवादी पार्टी का, जिसे आपने ढा दिया,
तो पूरे उत्तर प्रदेश में वो महत्वपूर्ण है, बीजेपी की जीत मानी जाएगी, वो महत्वपूर्ण है। भले आप 200 प्लस की सीटें 300 प्लस की सीटें जीते हैं ना जीते, शुभेंदु जी कहिए अपनी बात। जो ये 58-59 सीटें हैं जो यादव बाहुल्य क्षेत्र है जहां पे ये कहते हैं कि हमारा क्षेत्र है, वहां पर इनको 17 में पटकी मार के और 44 सीट लेके आए हैं, तो सत्येंद्र जी की जितनी हंसी है ये 10 तारीख को निकल जाने वाली है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ अभी तो हाँ, दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कोई तो पता चलेगा, इस तरीके का मेरे को डिबेट करने की आदत नहीं है सत्येंद्र जी, आपको यदि आदत हो तो आप बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं अपनी बात खाली इस बात को कहना चाहता हूँ। सत्येंद्र जी प्लीज, सत्येंद्र जी लोगों का ये भ्रम है, सत्येंद्र जी सुना कीजिए ना, सत्येंद्र जी बीजेपी की आदत है, सत्येंद्र जी करना बीजेपी की आदत है, सत्येंद्र जी अनुशासन जरूरी है, डिबेट में भी अनुशासन जरूरी है। सत्येंद्र साहब आप लोग, सत्येंद्र यादव साहब सुनिए ना सत्येंद्र यादव साहब सुनिए, सत्येंद्र जी सुनिए, अगर आप 2 मिनट चाहते हैं मैं 2 मिनट आपको सीधे वक्त देता हूं, लेकिन ये अश्योर कीजिएगा 2 मिनट के बाद आप बोलिएगा नहीं। आप शुभेंदु जी को सुन लीजिए, 3 प्रवक्ता बच रहे हैं डिबेट में, 3 प्रवक्ता मौजूद हैं, हमारे पास बहुत वक्त है, काउंटर करने के लिए मैं आपको दूंगा वक्त, आपने जो कहा उस पर काउंटर करने के लिए मैं शुभेंदु जी के पास गया हूं, तो थोड़ा सुन लीजिए ना साहब, एक एक करके साहब, शुभेंदु जी कहिए। मैं खाली ये कह रहा हूं कि जब सुबेरे, मैं खुद बूथ प्रमुख रहा हूं, जब सुबेरे वोटिंग चालू होती है उसके 1 घंटे पहले ये टेस्ट होती है वोटिंग मशीन, और उसको टेस्ट करते समय सभी पार्टियों के लोग साइन करते हैं, उसमें कोई भी, कोई एक बीजेपी का डाला जाता है, 2 सपा के डाले जाते हैं, 3 बसपा के डाला जाता है, और उसके बाद, और वो भी काउंटर रहता है कि कोई कभी 4 वोटिंग होती है, कभी 20 वोटिंग होती है, और उसके बाद एक रिजल्ट आता है कि 4 हमने सपा के डाले, देखिए 4 आए, 5 आपके बीजेपी के आए तो 5 आए, 2 हमारा कांग्रेस का आया और 0 आपका आया, ये फिगर आती है जब, तो उसके बाद जितने लोग होते हैं वो मशीन को टेस्ट करते हैं और साइन करते हैं उसके ऊपर, ये सभी मशीनों पर होता है। ये सत्येंद्र यादव जी या इनकी पार्टी इस तरीके के बातों को कहने से हमको लगता है कि ये केवल और केवल भ्रम पैदा कर रहे हैं, और अपनी हार की निश्चितता के कारण इन्होंने ये सेंटेंस डाला है। मैं ये कह रहा हूं कि इनके जितने बूथ थे, इनके लोग थे ना वहां पर साइन करने के समय कि ये बिल्कुल बूथ, बिल्कुल मशीन सही है, तो क्यों नहीं उन्होंने वहां पर ऑब्जर्वेशन किया, क्यों साइन किया? अब यहां पर शाम को 6 बजे जब पूरी हताशा के बीच में करहल वाली सीट भी बड़ी मुश्किल हो गई है इनको, मैं चाहूंगा कि करहल में ये शायद कहीं ना कहीं क्या इन्होंने समीकरण लगाए हैं कि इनकी जितनी पब्लिक है वो अमित शाह जी की पब्लिक में चली जाती है, और वहां पर इन्होंने जाके अपने गाड़ियां खड़ी करके बैरिकेड हटाए हैं, ऐसी बातें करते हैं टीवी चैनल के ऊपर, चाहे पूरे हिंदुस्तान में कोई बिलीव नहीं करेगा। ये सब चीजें हम सब लोग, वो लोग कहते हैं जो पान की दुकानों पर खड़े होते हैं, जिनको ABCD नहीं मालूम है, ये कैसे हो सकता है कि वहां पर मशीन टेस्ट हो रही हो और इनके लोगों ने साइन किया हो और उसके बाद कहते हैं कि मशीन खराब है, मजाक है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं इन सब विषयों पर मत करिए, आप 10 तारीख की बात कर रहे हैं और आपने तो आज ही हार मान ली है। ठीक है शत्रुघ्न शाह साहब, एक चीज बताइए, दरअसल ईवीएम को लेकर के बहुत सालों से सवाल उठते रहे और आम आदमी पार्टी भी ये दावा करती रही पहले कि हाँ किया जा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने जब बुलाया तो आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति वहां पर नहीं गया ये साबित करने के लिए, दिखाने के लिए कि हाँ ईवीएम को हैक किया जा सकता है, तो ईवीएम का जिन्न जो है वो फिर से बाहर निकल आया है, तो आखिर इतना डिस्ट्रस्ट क्यों है ईवीएम पर, आखिर इतना विश्वास क्यों है ईवीएम पर? आम लोगों के जहन में नहीं है, आम लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है उनका जो वोट पड़ा है सही जगह पर पड़ा है, लेकिन पॉलिटिकल क्लास में यह विश्वास क्यों है? आम लोगों में भी इस तरह की धारणा बनती जा रही है, और अभी चर्चा हुई ना कि ईवीएम का सवाल सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था जब ये सत्ता में नहीं थे, आज सत्ता में हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, ये सरकार को, चुनाव आयोग को चाहिए अगर जनता में, लोगों में, पॉलिटिकल पार्टियों में भी अगर अविश्वास आ रहा है तो इस पर पुनर्विचार करके ईवीएम को हटा देना चाहिए, जिससे विश्वास पुख्ता हो जाए। इससे क्या अंतर पड़ता है चुनाव में? थोड़ा भी अंतर नहीं पड़ता है, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम से चुनाव हो, अगर ईवीएम से कोई जीत रहा है तो बैलेट पेपर में भी जीतेगा। ईवीएम पर इतनी तरह की जोर जबरदस्ती बना करके, या चुनाव आयोग हो या राजनीतिक दल हो, ईवीएम से हो, इस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए देश में,
पूरी गंभीरता से विचार होना चाहिए और अगर संभव हो कि दुनिया के तमाम विकसित देश जो ईवीएम पर काम करते थे उन्होंने अपने देश में ईवीएम हटा लिया, जर्मनी हटा लिया, अमेरिका हटा लिया, क्यों हटा लिया? आज भारत को भी इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर कहीं भी अविश्वास है तो इससे हट करके लोगों को, जनता को, राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिए। ये अलग विषय है, लेकिन आज जो जनता का मन बना हुआ है ये कोई ईवीएम काम नहीं करेगा। 10 तारीख को जो चुनाव परिणाम आएगा भाजपा बुरी तरह से मात ठीक है। सत्येंद्र यादव साहब, मैं सालों से शुभेंदु जी मैं आता हूँ। सत्येंद्र यादव साहब एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, शुभेंदु जी मैं आता हूँ, आपकी बारी में आप सवाल पूछ लीजिएगा। नहीं ठीक है, आपकी बारी में आप सवाल पूछ लीजिएगा आप शत्रुघ्न जी से। सत्येंद्र यादव साहब मेरा एक सवाल है, मैं सालों से डिबेट करता रहा हूं और इस मसले पर ईवीएम पर जो डिस्ट्रस्ट है, जो अविश्वास है, इस पर मैं सालों से डिबेट करता रहा हूं। और मैं ये बेसिक से सवाल पूछता हूं कि चुनाव जब बीत जाता है तो चुनाव के रिजल्ट वाले दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, हफ्ते भर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन फिर राजनीतिक दल ऐसा लगता है सो जाते हैं। फिर ईवीएम का मसला है पांच साल के बाद, या फिर लोकसभा का चुनाव बीच में पड़ जाए तो ईवीएम का मसला सामने आ जाता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ईवीएम को लेकर कितनी समस्या है, तो तमाम विपक्षी दल बीजेपी को भी साथ में बिठाइए और बीजेपी को भी कहिए कि देखिए आप ऐसे भी चुनाव जीत रहे हैं, आप अगर दूसरे जरिए से, जैसे पहले चुनाव होता था मतपत्रों के जरिए, वो वैसे चुनाव कराइए, तो एक मुहिम क्यों नहीं शुरू की जाती है चुनाव के नतीजों के बाद, चुनाव के नतीजों से पहले और चुनाव के दौरान? ये तो बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, चुनाव के नतीजों के बाद कोई मुहिम नहीं देख पाता हूं मैं, इसके पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल सही, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी ने पहले भी इस बात की मांग की कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए और समाजवादी पार्टी ने कई बार इसकी अपील की। समाजवादी पार्टी जो है इकलौती ऐसी पार्टी नहीं है कि जिसके चाहने से यह संभव है। इस परिवर्तन के लिए देश में और तमाम राजनीतिक दल है, बड़े दल है, उनको भी साथ आना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। समाजवादी शुरुआत तो कीजिए सत्येंद्र जी, शुरुआत तो कीजिए। इसकी शुरुआत है और इसकी शुरुआत बाकायदा होगी। रही बात चुनाव आयोग की, पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री जी के एक टेलीफोन पे चीफ इलेक्शन कमीशन उनके घर पहुंच जाते हैं, तो इस ये बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात है कि हमारा एक राजस्थान के व्यक्ति हैं, उनसे इस बात से एक दिन चर्चा हुई उनसे हमारी, तो चुनाव आयोग को लेकर वो अपनी व्यथा बताने लगे। वो एक पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए चुनाव आयोग के लगभग 3 साल से चक्कर काट रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब चुनाव आयोग में जब तक आप घूस नहीं देंगे, जब तक रिश्वत नहीं देंगे, आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मैंने सत्येंद्र यादव साहब, ये बहुत बड़ी बात है, मैंने सत्येंद्र यादव साहब कह रहा हूँ, सत्येंद्र यादव साहब ये राजस्थान के व्यक्ति, नहीं नहीं सत्येंद्र यादव साहब, किसी राजस्थान के व्यक्ति के कहने पर आप एक संवैधानिक संस्था पर इतने गंभीर आरोप, वो भी तब जब चुनाव चल रहा है, आपको नहीं लगाना चाहिए मेरे ख्याल से, आप लगा रहे हैं। बहुत जल्द सामने भी आएगा ये, बहुत जल्द ये बात सामने आने वाली है। मैं तो आज कह रहा हूँ, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं है जब ये बात सामने आने वाली है, लेकिन मैं पूर्व में ही इस बात की सूचना आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर कोई त्रुटियां हो रही है, अभी शुभेंदु जी ये कह रहे थे कि अरे भैया कोई कमी नहीं होती है, ऐसा है वैसा है, अगर नहीं होती है तो चुनाव आयोग क्यों मशीनें बदलता है, क्यों 3-3 घंटे तक मतदान रुका रहता है? अरे आप अनपढ़ जैसी बात करते हैं, मशीनें खराब होगी तो बदलना पड़ेगा ना यादव जी, मशीनें खराब हो जाएगी तो ये कैसे गारंटी ले रहे हैं कि मशीनें खराब नहीं होती हैं? ये कैसे कह रहे हैं कि समाजवादी खराब होना और हैक करना ये दोनों अलग अलग चीज है ना? सुनिए मेरी बात, मशीनों सत्येंद्र यादव जी, आपका फोन खराब होना और आपके फोन को हैक करना दोनों अलग अलग चीज है ना? लेकिन एक बात बताइए कि जब उसकी संभावना है और जहां पर ऐसा लगता है कि उससे प्रभावित किया जा रहा है मतदान को, लोग कहीं बटन दबा रहे हैं, कहीं जा रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए और हमने उसकी अपील की है और उसकी मांग की है और चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेकर इस पर निस्तारण करना चाहिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये कोई सर्वे सर्वा तो है नहीं, ये कोई चीफ इलेक्शन कमीशन तो है नहीं, शुभेंदु साहब का मतलब ये ठीक है, यादव जी अब सुन लेते, यादव जी अब सुन लेते, अब मैं उम्मीद करूंगा कि जब आप शुभेंदु जी बोलेंगे तो आप सुनेंगे। शुभेंदु साहब मैं तो ये जानना चाहता हूं कि ये भी टेस्ट तो करने के लिए चुनाव आयोग ने बुलाया था ना, कि देखिए ये बटन है बीजेपी का या फिर समाजवादी पार्टी का, इसे बीजेपी में वोट डाल के दिखाइए और बीजेपी का वोट बटन दबा करके समाजवादी पार्टी में वोट डाल के दिखाइए, ये भी तो एक तरह की हैकिंग है ना,
इसे भी साबित करने के लिए चुनाव आयोग ने बुलाया था राजनीतिक दलों को, एक्सपर्ट्स को, ये साबित नहीं हो पाया, तो फिर ये बात चुनाव के दौरान क्यों उठती है? देखो सब चीजें, मैं ये कह रहा हूं कि वहां बुलाया और उनको पूरा टाइम दिया कि एक महीना ले लो, दो महीना ले लो, कोई भी एक मशीन आप जो कहोगे पूरी लिस्ट में से निकाल के देंगे और इसको हैक करके दिखाओ, कोई नहीं कर पाया। और फिर दोबारा कॉल किया गया इन सभी लोगों को, जो प्रवक्ता लोग बैठे हुए हैं हमारे, प्रवक्ता मित्र लोग बैठे हुए हैं हमारे, उन सबको बुलाया गया, उनकी पार्टियों को बुलाया गया कि आप अपने जितने एक्सपर्ट लोग हैं विदेश से इधर से हमारे खर्चे पे बुला लो और एक भी मशीन, कोई भी जो आप मशीन उठाओ जो टेस्ट करने के लिए हजारों मशीनों में से, और उसको हैक करके दिखा दो। तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मान लिया कि यह हैक नहीं हो सकती है। दूसरी, जिस पर्टिकुलर मशीनों की ये बात कर रहे हैं उसमें इनके ही लोगों का सुपेरे साइन है और उसकी जो टेस्ट हुआ है कि कितने वोट डाले गए और कितने वोट का रिजल्ट आया वो साइन किया हुआ है। तो ये क्या इनका जो आदमी वहां बैठे हुए थे वो गलत है या झूठ बोल रहे हैं? जैसा इन्होंने अभी कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने इनके लोगों को अपनी सी उसमें बुला लिया, ऐसा तो नहीं कहीं हमारे आदमियों ने वहां बैठ के आपकी गलती से साइन कर दिया हो, उसको भी हमने व्यक्तियों को भी हैक कर लिया हो। देखिए ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। और क्या कह रहे हैं आप इतने बड़े चैनल के ऊपर बिना सोचे समझे कि एक पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए निर्वाचन आयोग पैसा लेता है और उसके बाद भी शर्म नहीं आ रही है? या सपा ने या आप पार्टी के जो दोनों प्रवक्ता है ये आप अपने पार्टी से पूछ के बताइए कि जब आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया अपनी पॉलिटिकल पार्टी का जी तो कितना रिश्वत दिया था? शुभेंदु जी सवालों को खींचे नहीं, आपकी तरफ जो आप इशारा कर रहे हैं मैंने आपसे गंभीर सवाल पूछे हैं और गंभीरता से मेरा वो नहीं कहना, मैं आज ये नहीं कह रहा हूँ कि ईवीएम अभी चुनाव हो रहा है, जनता के अविश्वास को चुनाव आयोग का भी कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है कि जनता को विश्वास में ले, देशवासियों को विश्वास में लेकर के ईवीएम के इसे जो जो चलता रहता है। शाहू साहब सवाल तो ये है, शाहू साहब सवाल ये है कि भाई विपक्ष को जो चीज पसंद नहीं आ रही है उसे हम सब कुछ बदलते रहेंगे क्या? सत्ता और विपक्ष का सवाल नहीं है। शाहू जी सुनिए ना, शाहू जी सुनिए ना, विश्वास का सवाल नहीं। शाहू जी सुनिए ना, जनता का विश्वास और अविश्वास की बात तो है लेकिन मेरा सवाल है कि यहाँ पर अविश्वास पॉलिटिकल क्लास में ज्यादा है। आप कन्विंस नहीं कर पाते हैं चुनाव आयोग को, आप कन्विंस नहीं कर पाते हैं कोर्ट को, आप चुनाव बीतने के बाद आप कोई मुहिम नहीं छेड़ते हैं कि भाई ठीक है इस तरीके से ईवीएम से चुनाव नहीं कराना चाहिए, तो फिर बदलाव कैसे आएगा? एटलीस्ट आपको कम से कम सुप्रीम कोर्ट को आप कन्विंस कर दीजिए कि यह किया जा रहा है और लोग इस पर विश्वास नहीं करते। आप चुनाव आयोग को कन्विंस कीजिए कि हाँ ये मशीन हैक की जा सकती है तो फिर बदलाव आएगा ना। शाह साहब बिल्कुल बिल्कुल इस पर गंभीरता से पुनर्विचार होना चाहिए और जैसे दुनिया के अनेक विकसित देशों ने अपने देश से ईवीएम को वापस कर लिया है, भारत को भी एक बार विचार करके ईवीएम को वापस करना चाहिए। राजनीतिक दलों के विश्वास पैदा करने के लिए, जनता का विश्वास पैदा करने के लिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व में विश्वास पैदा करने के लिए। ठीक है यादव जी, कितनी सीटें इस फेज में जल्दी जल्दी से? देखिए देखिए ऐसा है कि जो पहले भारतीय जनता पार्टी को बहुमत इस फेज में मिल गया था वो बहुमत का ठीक उल्टा होने वाला है और उससे भी कम मिलेंगी बीजेपी को। और हम जो है लगभग 50 सीटों का हमारा आंकड़ा है कि लगभग 50 सीटों तक और बाकी में बाकी सब। और ये सिर्फ इस फेज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अब ये फासला बढ़ता ही चला जाएगा और बहुमत की तरफ हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को जो दर्द दिया है उस दर्द के खिलाफ लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं, लोग अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। जिस तरह से बंगाल में परिवर्तन हुआ ये वहां से महाराष्ट्र से भी हटाए गए, इस तरह से धीरे धीरे बात आगे बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन के लिए लोग तैयार हैं। शुभेंदु अवस्थी साहब कितनी सीट है? देखिए मैं आपको लॉजिक के साथ बताऊंगा, इनको ये तो खाली एक कुछ गट फीलिंग के हिसाब से बोल रहे होंगे। हमको वहां पे 46 सीटें मिलेंगी पूरे जो आज का जो मतदान हुआ है, और 46 सीटों में से जो हमको वोट किन लोगों ने दिया ज्यादा,
जो बसपा का एक बड़ा था जिनको इनको 24% वोट मिले थे पिछली बार और बसपा को 20%। अरे आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपके पास पूरी वोटिंग की सीट चुनाव आयोग ने अभी पकड़ा दी है कि इतने परसेंट यहाँ वोट हुआ, इतने परसेंट यहाँ वोट हुआ और आपको इतना मिला है। कैसी बात करते, जाहिलों जैसी बात तो आप कर रहे हैं, अनपढ़ों जैसी बात तो आप कर रहे हैं। सत्येंद्र यादव साहब, इंडिपेंडेंस की बात कैसे कर रहे हैं? सत्येंद्र यादव साहब, भाषा की मर्यादा रखिए। सत्येंद्र यादव साहब, यादव जी आप भाषा की मर्यादा रखिए। सत्येंद्र यादव जी, यादव जी यादव जी यादव जी भाषा की मर्यादा रखिए। बात कर रहे हैं, नहीं नहीं सम्मानित प्रवक्ता है वो बीजेपी के, भाषा की मर्यादा रखिए यादव जी प्लीज। यादव जी जिस आधार पर आप दावे करें उसी आधार पर शुभेंदु जी दावे कर रहे हैं, शब्द थोड़े बदले हुए हैं। यादव जी सुन लीजिए, और ये जिस तरह यादव जी कर रहे हैं लगता है पूरा चुनाव नहीं, यादव जी ये सही तरीका नहीं, यादव जी सही तरीका नहीं। शुभेंदु जी कहिए। देखिए देखिए ये सपा की जो गुंडई है वो सामने उनके प्रवक्ताओं में भी दिखती है। मैंने जब उन्होंने बोला तो मैंने कुछ बोला क्या? मैंने तो खाली ये कहा कि 46% हमारे को 46 सीटें मिलेंगी और जो सपा को 24% वोट मिला था और बसपा को 20% वोट मिला था उसमें से जो बसपा का एक मेजर पोर्शन है वो इस बार हमको वोट मिलेगा। गैर यादवों ने पिछली बार भी हमको वोट दिया था, इस बार भी हमको वोट देंगे, तो हमको लगता है कम से कम 46 सीटें मिलेंगी। परसेंटेज वाइज भी हमारा अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहेगा। और इसमें इनको नाराज होने की क्या बात थी जब इन्होंने बोला कि हमको ज्यादा सीट 44 मिलने वाली है? ठीक है, नाराज मत होइए, मुस्कुराते रहिए, गुंडई दिखाइए इस तरीके के जो शब्द बोल रहे हैं। नाराज मत होइए, मुस्कुराते रहिए। सत्येंद्र यादव मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, मुस्कुराते रहिए और दूसरों के लिए भी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो ईवीएम को लेकर के अविश्वास के भाव पैदा किए जा रहे हैं, ईवीएम को लेकर के एक बार फिर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर के दावे जो चुनाव आयोग करता रहा है उसमें यह करता रहा है कि ईवीएम को किसी भी तरीके से हैक नहीं किया जा सकता। मेरा वोट जिस पार्टी को जाना चाहिए, जिस पार्टी के सामने का बटन मैंने दबाया है उसी पार्टी को वो वोट जाता है, ये पुख्ता तौर पर चुनाव आयोग कहता रहा है। तो हमें चुनाव आयोग पर विश्वास रखना चाहिए। राजनीतिक दलों में थोड़ा सा विश्वास जरूर पैदा हो जाता है चुनाव के वक्त ईवीएम को लेकर के। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।